विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त हुई है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। गैंगस्टर मामले में 14A के तहत कार्रवाई की गई है। इरफान सोलंकी की स्वर्ण जयंती क्षेत्र की संपत्ति जब्त की गई है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 7 से 8 करोड़ बताया जा रहा है। विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त हुई है, कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर मामले में 14A के तहत कार्रवाई की गई। इरफान सोलंकी की स्वर्ण जयंती क्षेत्र की संपत्ति जब्त हुई है। जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट की विवेचना जो कि प्रचलन में है के क्रम में आज पुनः 14A की कार्यवाही कानपुर नगर में 4 स्थानों पर, जो कि आसपास में ही हैं, जाजमऊ और चकेरी थाना क्षेत्र में, वहां पर की जाएगी। 14A के तहत इन संपत्तियों का जब्तीकरण आज किया जाएगा। लगभग बाजार मूल्य 7 से 8 करोड़ रुपए इन संपत्तियों का आंका गया है। और कुछ और भी संपत्तियां हैं जो कि नोएडा में और मुंबई में हैं, उनमें भी आज इसी आदेश से 14A की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन चूंकि दूरी उसकी ज़्यादा है, अतः वह कार्यवाही ऑन ग्राउंड फिजिकली कल या परसों संभव हो सकेगी। साथ हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। बता दें, कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर मामले में 14A के तहत कार्रवाई की गई है। इरफान सोलंकी की स्वर्ण जयंती क्षेत्र की संपत्ति जब्त हुई है। जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। गैंगस्टर मामले में 14A के तहत कार्रवाई हुई है। इरफान सोलंकी की स्वर्ण जयंती क्षेत्र की संपत्ति जब्त की गई है। जब्त संपत्ति का मूल लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त की गई है। संपत्ति जब्त करके यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड जो साफ साफ लिखा हुआ है, संपत्ति हुआ है 56/22 धारा 1/0 पर समाज अध्ययन कर लिया है। अध्ययन समाज के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया है। हालांकि रिफंड समिति के नेतृत्व लगातार बढ़ती जा रही है। मौजूद हमारे साथ स्थिति रखी सर, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की संबंधित अभियोग इरफान सोलंकी की संपत्ति 188 स्वर्ण जयंती विस्तार कानपुर नगर क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर को
धारा 14(1) के अंतर्गत राज्य सरकार में हुक्मत किया गया है। अनिल इरफान सोलंकी की अभी 7-8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये संपत्ति लगभग 50 करोड़ की संपत्ति कांकु में चिन्हित की गई है। आज पहला चरण है, जैसे पहले चरण के अंदर लगभग 7-8 करोड़ संपत्ति ली गई है। इसके अलावा 2 से 3 दिन के अंदर मुंबई और नोएडा की भी काफी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, और चिन्हित करने के बाद इनके 2 से 3 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई लगातार की जाएगी। जी अनिल, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि जो जब्ती की कार्रवाई की गई है। देख आप देख सकते हैं कि पूरा फोर्स बीएसपी वर्ग यहाँ पे तैनात है, तैनात और लगातार जितनी भी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना बल देता है, जो क्षेत्र में जगह जगह से जहाँ भी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित कर रहा है। चिन्हित करने के बाद लगातार वहाँ पे स्टैंड लगा के और वहाँ पे जो होल्डिंग बैनर लगा के उनको सूचना सफाई जा रही है कि ये संपत्ति जो है पूरी राज्य सरकार को जड़ कर ली है। जी अनिल, जो ये संपत्ति जब्ती की कार्रवाई है ये कब से कब तक चलेगी? ये आज पहला चरण था, पहला चरण के बाद इस लगातार चरण आगे बढ़ते रहेंगे, और इसके बाद कानपुर के बाद लखनऊ और मुंबई और नोएडा की लगभग 150 से 200 करोड़ संपत्तियां हैं जो जिन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। ये पहले चरण के चलते कानपुर में लगभग 7-8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अब अगला चरण 2 से 3 दिन के अंदर मुंबई और नोएडा के लिए किया जाएगा। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त हुई है, बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। गैंगस्टर मामले में 14A के तहत कार्रवाई की गई है। इरफान सोलंकी के स्वर्ण जयंती क्षेत्र की संपत्ति जब्त की गई है, बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। बता दें जब्त संपत्ति का मूल लगभग 7-8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।